हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देवभूमि स्किल इंडिया सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आप लोगों का काफी समय से मुझे मैसेज और कॉल आता था सर, काफी समय से आपकी वीडियो नहीं आई है। तो मेरे पास समय ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और मुझे खुद दुख होता था कि यार मैं यूट्यूब से मैंने इतना सारा काम लिया और मैं अब यूट्यूब में ही वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए डेली या एक दिन छोड़ के वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ठीक है, तो गाइस आज का जो टॉपिक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज का जो टॉपिक है वो हम कंसंट्रेट के बारे में देखेंगे। ऑलरेडी आप थंबनेल में देख चुके हो क्या हम कंसंट्रेट बनाने वाले हैं। आप कंसंट्रेट का बिजनेस करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और पूरे इंडिया में आप इसको सेल कर सकते हैं। कम से कम पैसों में आप कंसंट्रेट का काम चालू कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप प्लीज वीडियो पर बने रहिएगा ताकि आपको इसमें पूरा समझ में आ पाए। अगर कुछ समझ में ना आए तो डिस्प्ले में नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हो। लेकिन कॉलिंग का जो टाइम है गाइस, वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा। प्लीज नोट कर लीजिएगा, 10 से 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद मैं भी ऑफिस से घर चले जाता हूँ तो मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे को रात को 2-2 बजे तक फोन करते हैं, बट मैं रात को 2 बजे तक नहीं उठा पाता हूँ। फिर वो सोचते होंगे कि रात को फोन नहीं उठाया जा रहा है। तो मेन रीजन यही है, हमारा जो टाइमिंग है 10 से 5 बजे तक है। तो आइए गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको पूरा चार्ट में मैं इसमें समझा दूंगा कैसे बनता है, अगर आप बहुत आसानी से आप आराम से बना सकते हो। तो आइए देखते हैं। हम बनाएंगे हैंड वॉश कंसंट्रेट। ठीक है, कंसंट्रेट भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग क्या कहते हैं इसको, कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेट और कंपाउंड एक ही चीज होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपाउंड क्या है, कंसंट्रेट क्या है, तो वो ये दो चीज एक है। ठीक है, ये दोनों चीज एक है, कोई हैंड वॉश तो है ही, कंसंट्रेट और कंपाउंड। ठीक है, हम जो हैंड वॉश कंसंट्रेट बनाएंगे वो पर्ल वाला भी बना सकते हैं और जेल वाला भी, दोनों का फॉर्मुलेशन टू इन वन रहेगा। तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, वीडियो आप बिना स्किप करे देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सब कुछ इसी में दिया हुआ है, बहुत आसान है। तो देखिए, सबसे पहले बनाने के लिए जो हम लेते हैं वो लेते हैं SLES। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बोर्ड का ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। SLES लेंगे हम 28% वाला। कितना? 28% वाला SLES लेंगे। और कितना लेंगे? 800 ग्राम। ठीक है, हम कंसंट्रेट बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट हैंड वॉश नहीं बना रहे हैं, कंसंट्रेट बना रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसमें तो 800 ग्राम बहुत ज्यादा है, अभी मैं आपको पूरा कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे CAPB। CAPB को बोलते हैं कोकोबिटेन। ठीक है, CO, वैसे नाम तो बहुत बड़ा है बट मैं आपको शॉर्टकट में लिख देता हूँ। ठीक है, कोकोबिटेन, आप शॉप में जो बोलेंगे CAPB भी बोल सकते हैं, कोकोबिटेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो आइटम हमारे लग चुके हैं। ये हम डालेंगे 100 ग्राम। ठीक है, ग्राम या ML जो भी ले लो, ML ले लिया हमने। ठीक है, तीसरा आइटम जो हम यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, वो होता है CDEA। ठीक है, कोको कोकोमाइड भी बोलता है, कोको कोको डाइमिथेन भी बोलता है, बहुत सारे नाम होते हैं, तो आप CDEA नाम बोलिएगा। ठीक है, तो ये लेंगे 100 ग्राम। ये जो होता है, ये CAPB मैं आपको बता देता हूँ। CAPB हमारा फोम बूस्टर के काम आता है। हैंड वॉश में लोग कहते हैं ना झाग कम है, SLES डालेंगे झाग तो आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन फॉर्मिंग अगर ज्यादा चाहिए तो CAPB डालेंगे। उसके बाद लोगों को चाहिए था गाढ़ा, गाढ़ा भी चाहिए होता है, तो हम डालते हैं CDEA गाढ़ा करने के लिए, CDEA थिकनेस के लिए, ये इसको बोल सकते हैं थिकनिंग एजेंट। ठीक है, थिकनिंग एजेंट गाढ़ा करने वाला। मैं आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूं ताकि आप मुझे दोबारा फोन ना करें, आपको एक ही बारे में पूरा आसानी से समझ में आ जाए। आराम से आप वीडियो देखिए, सब समझ में आएगा, वीडियो जरूर थोड़ी लंबी होगी। अब यूज करेंगे हम ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन है ये, ग्लिसरीन आपने देखा होगा, मेडिकल स्टोरों पे भी मिल जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी कॉस्टिंग भी निकाल के बताने वाला हूं। और ग्लिसरीन हम यूज करेंगे 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम, अभी हम इसको टोटल करेंगे तो ये जाएगा 50 ग्राम एक्स्ट्रा जाएगा। जब भी आप बैच बनाते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, पर ये जो वेरिएंस है हमेशा ऊपर नीचे 50-100 ग्राम का हमेशा ऊपर नीचे जाता है, तो आप उसको मत वो रखिएगा। ठीक है, पूरा आपका प्रॉपर माल बनने वाला है। तो उसके बाद अब हम यूज करेंगे इसमें पांचवे में कलर। ठीक है, कलर कलर 5 ग्राम डालेंगे हम, उससे कम भी डाल सकते हो आप। फिर परफ्यूम लेंगे हम,
परफ्यूम भी हम लेंगे 50 ml, ठीक है। हम लेंगे इसमें जो हमारा ये हमारा जो है जेल वाला तैयार हो जाएगा। तो गाइज ये जो है हमारा फॉर्मुलेशन है, ये हमारा हैंड वॉश का जेल वाला तैयार हो जाएगा, जेल जेल वाला जो है हैंड वॉश हमारा इसको तैयार हो जाएगा, कंसंट्रेट, ठीक है। कंसंट्रेट अभी हम हैंड वॉश नहीं बना रहे, कंसंट्रेट तैयार होगा। तो ये आप पूरा तरीका देख लीजिए, चाहे तो आप फोटो खींच लीजिए, ठीक है। SLS डालेंगे, CAPP डालेंगे, CDA डालेंगे, ग्लिसिन डालेंगे, कलर और परफ्यूम, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो है प्रोसेस बताऊंगा, ये कैसे कैसे डालना है और कैसे कैसे मिक्सिंग होगी, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए, अभी इसी में ही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पर्ल वाला बताऊंगा, पर्ल वाला, ठीक है, PERL, पर्ल वाला। अब उसमें जो डलेगा वो डलेगा पर्ल पेस्ट। पर्ल पेस्ट कितना डालेंगे, 10 ग्राम। पर्ल वाला आपने देखा होगा डेटॉल का जैसे होता है ना, वो पर्ल वाला होता है, उसमें चमक होती है, ठीक है। तो वो इस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे, इसी फॉर्मूले में 10 ग्राम डाल देंगे पर्ल पेस्ट, तो ये पर्ल वाला रेडी होगा। अगर आपको जेल वाला मार्केट में बेचना है तो ये बोलो पूरा जो फॉर्मुलेशन है इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका आपको प्रोसेस बता देता हूँ गाइस। अब हम आते हैं प्रोसेस में, ठीक है। हैंड वॉश कंसंट्रेट का प्रोसेस कैसे रहेगा, आप आराम से देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है, और कोई तरीका नहीं है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आपको उसके लिए एक मिक्सर लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, आपको एक मिक्सर लेना पड़ेगा। मिक्सर डिस्प्ले में आ चुका होगा, आप इस तरीके का मिक्सर ले सकते हैं, इस टाइप का मिक्सर हमारे पास मिल जाएगा आपको, ठीक है। हमारे पास जो मिक्सर है ये वाला, ये इंडिया मेड मिक्सर है, ये आप पूरा दिन भर भी इसको चलाएंगे ये खराब नहीं होता है, ठीक है। हम हजारों कस्टमर को ये बेच चुके हैं, आज तक किसी का कोई कंप्लेन नहीं आया है। बहुत लोग सस्ता खरीद लेते हैं 2000-2500 तक का, तो उसमें क्या दिक्कत होता है कि वो चाइनीज होता है, ठीक है, उसमें कॉपर, प्योर कॉपर नहीं होता, जिससे वो फूक जाता है, फिर आपको दोबारा लेना पड़ता है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे डिस्प्ले में नंबर चल रहा है, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले जो है हम मान लीजिए 1 लीटर का बना रहे हैं, ठीक है, 1 लीटर का बना रहे हैं, तो उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। 1 लीटर का बनाने के लिए आप या तो कोई मग या बाल्टी ले लीजिएगा, ठीक है, ये मान लीजिए आपका बकेट है, ठीक, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे SLES, पहले पार्ट में आएगा हमारा SLES, ठीक है, 28% वाला, कितना आएगा, 700 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लेंगे SLES लेंगे, तो गाइस सबसे पहले जो हम लेंगे SLES लेंगे, ठीक है, SLES 28% वाला, कितना लेंगे, 800 ग्राम, ठीक है, 800 ग्राम ले लिया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सीधे खाली उसमें डाल देना है, ये हो गया। दूसरे पार्ट में हम लेंगे CAPB 100 ml, ठीक है, ले लिया। अब हम इसमें मिक्सर चलाएंगे, मिक्सर चलाएंगे, नीचे तक आएगा मिक्सर हमारा, ठीक है, इस तरीके से मिक्सर होगा, नीचे रॉड होगी इसके, अभी इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेगा वो, ठीक है। ज्यादा ज्यादा देर नहीं चलाना, 1 से 2 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट बहुत है, क्योंकि अभी हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ है, इसलिए हम थोड़ी सी मिक्सिंग के लिए इसको मिलाएंगे। ये सारे केमिकल जो है वाटर सोल्यूबल है, कुछ भी इसमें ऑयल सोल्यूबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे बहुत आसानी से बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो अच्छे से मिक्स होंगे, CAPP और SLES। उसके बाद हम मिलाएंगे CDEA, कितना, 100 ग्राम। ये थिकनिंग एजेंट है, लोग कहते हैं ना हैंड वॉश हमारा गाढ़ा होना चाहिए, वो इस कारण से गाढ़ा होगा, ठीक है। गाढ़ा होने को तो SLES से भी हो जाएगा, बट हमें और ज्यादा थिकनेस चाहिए होती है और फॉर्मिंग भी चाहिए होती है, तो हम CAPP डालते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्लिसरीन, ठीक है, ये ग्लिसरीन डालेंगे 50 ml, ठीक है। जैसे जैसे चीजें हम डालते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी एक एक मिनट बाद इनको मिक्स करते जाएंगे आपस में, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, आराम से मिक्स करते जाइए और डालते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलर, कलर जो मैंने आपको बताया है 5 ग्राम, ठीक है, हो सकता है इससे कम भी डाल दीजिएगा आप। उसके बाद हम डालेंगे परफ्यूम,
आपको मेरी राइटिंग थोड़ी दिक्कत कर रही होगी, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, मोटा मोटा राइटिंग का हो सकता है इशू आ जाए। ठीक है, तो परफ्यूम हम डालेंगे 50 ग्राम। ठीक है, अब हम इसको सबसे लास्ट में जो है इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा जो है जेल वाला हैंड वॉश रेडी होगा, इससे जेल वाला। ठीक है, अगर हमें इसको पर्ल वाला बनाना है तो पर्ल पेस्ट आता है, बताया था मैंने आपको, पर्ल पेस्ट। ठीक है, पर्ल पेस्ट कितना मिलाएंगे, 5 से 10 ग्राम, वो डिपेंड करता है आपको कितना चमक वाला वो चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन सबको हम जब मिक्स करेंगे 5 से 10 मिनट, ठीक है, मिक्स वेल, अच्छे से मिक्स करना है 5 to 10 मिनट। 5 से 10 मिनट जब इसको मिक्स करेंगे प्रॉपर, तो हमारा ये जो कंसंट्रेट है ये रेडी है। ठीक है, 5 से 10 मिनट मिक्स करने के बाद सारा एकदम जेल कंसंट्रेट हमारा रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद हमें क्या करना है, फिर हम कस्टमर को सेल करेंगे, वो हमारा बाद का प्रोसेस है। वो आप कैसे सेल करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा ये कंसंट्रेट रेडी हो जाता है, उसके बाद हम निकाल देंगे इसकी कॉस्टिंग। इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, तो गाइस अब हम आते हैं इसकी कॉस्टिंग की बात पर। ठीक है, कॉस्टिंग बहुत आसान है, आसान से आप बना सकते हो। देखिए SLES अभी जो मार्केट का रेट है वो है 60 रुपए, कहीं कहीं 55 रुपए का भी रेट है। ठीक है, 28% गोदरेज का भी ले सकते हो आप, IGL का भी ले सकते हो, अडानी का भी ले सकते हो, किसी का भी ले लो। ठीक है, वैसे मैं जो यूज करता हूँ, मैं बताया था मैं गोदरेज का यूज करता हूँ अभी, तो आप ये ले लीजिएगा। इसकी जो कॉस्ट मान ली हमने 50 रुपए मान ली। ठीक है, CAPB की जो कॉस्ट मान के चलो आप, ये भी 100 रुपए के आसपास है, तो 10 रुपए इसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, CDA जो है वो भी ऐसी 210 रुपए के आसपास है, तो इसकी जो कॉस्ट मान ली हमने 20 रुपए मान ली। ठीक है, कलर तो आप मान के चलो 1 से 2 रुपए का हमने कलर जोड़ लिया चलो। ठीक, परफ्यूम हमने जोड़ लिया 50 ग्राम, ये हो गया हमारा। ठीक है, 50 ग्राम नहीं आएगा परफ्यूम, आएगा आपका 10। ठीक है, तो ये हमारे 5 रुपए परफ्यूम की कॉस्ट आ गई आपकी। पर्ल पेस्ट को हम नहीं काउंट कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो जेल बनाते हैं, तो हम जेल का बता रहे हैं। पर्ल पेस्ट जो करना हो तो कर लेना, 600-700 रुपए किलो आता है। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी ऐसी 2 से 3 रुपए के आसपास आएगी, तो अभी मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। अभी हम मोटा मोटा इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये आपको 90 से 100 रुपए में ये कंसंट्रेट आपका तैयार हो जाएगा। तो भाई ये जो कॉस्ट आएगा, अभी हम क्या है, हम इसको 2 रेशियो में बना सकते हैं। ठीक है, एक एक को बोलते हैं रेगुलर क्वालिटी, रेगुलर क्वालिटी होती है जिसमें हम 1:5 बनाएंगे, 6 लीटर हैंड वॉश तैयार होगा। ठीक है, एक होती है प्रीमियम, प्रीमियम होगा ये आप 1:4 बनाएंगे, टोटल 5 बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से तैयार। अब कंसंट्रेट से कैसे नॉर्मल वाला जो हैंड वॉश है वो बनाना है, वो भी बहुत आसान है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लेना है एक बकेट या मग। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जैसे अगर आप रेगुलर वाला बना रहे हो तो 5 लीटर लेंगे पानी। ठीक है, चाहे तो आप पहले कंसंट्रेट ले लो, ठीक है, और चाहे तो आप पहले पानी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज पहले चले जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिनाइल में होता है पहले हम कंसंट्रेट डालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पानी डालते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले हमने ले लिया वाटर, ठीक है, वाटर, उसके बाद हम डालेंगे कंसंट्रेट। ठीक है, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, स्लोली स्लोली ये मिक्स होगा, प्रॉपर अच्छे से मिक्स होगा 5 से 10 मिनट तक। ठीक है, और हल्के हल्के मिक्स करना है, चाहे तो आप इसको लकड़ी के डंडे से भी मिक्स कर सकते हो, मशीन की जरूरत नहीं है। मशीन की चलाओगे तो झाग क्या है ऊपर तक आ जाएगा, फिर उसको सेटल होने में टाइम लगता है, इसलिए दिक्कत करता है। आप इसको डाल के 5 मिनट लकड़ी के डंडे से घुमाइए और छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये हो जाए, फिर आपको लेना सॉल्ट। क्या लेना, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट आपको कितना लगेगा, 300 से 400 ग्राम लग सकता है, डिपेंड करता है पानी के TDS के ऊपर, 300 से 400 ग्राम। ठीक है, 300-400 ग्राम नमक लगेगा। स्लोली स्लोली आप इसको मिक्स करेंगे और ये ठीक होता जाएगा। नमक को घोलने के 2 तरीके बता देता हूँ, नमक को डालने के, चाहे तो आप जो आपने पानी लिया हुआ है ना इसमें से,
पानी लिया है मान लो 4 लीटर, आप 1 लीटर पानी पहले से अलग कर लीजिएगा और वो जो 300-400 ग्राम नमक है वो 1 लीटर पानी में डाल दीजिएगा। जब सब कुछ रेडी हो जाए सबसे लास्ट में आपको खाली नमक ही डालना है या नमक वाला जो पानी है वो डालना है और मिक्सिंग हल्के हल्के करनी है, आपका जो हैंड वॉश है वो एकदम गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाढ़ा जब हो जाए उसको आप 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, और ढक के छोड़िएगा ताकि जो उसका खुशबू है परफ्यूम है वो खत्म ना हो जाए। ठीक, तो जब आप आएंगे 3-4 घंटे बाद तो आप देखेंगे आपका एकदम जेल ट्रांसपेरेंट वाला हैंड वॉश रेडी है जो कि आपका बेस्ट क्वालिटी का हैंड वॉश रहेगा। तो इस तरीके से आप हैंड वॉश बना सकते हैं। अगर आपको इस सबसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, हमने एक फॉर्मुलेशन का बुक बनाया हुआ है, ठीक है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्प्ले में नंबर चल रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे फॉर्मुलेशन का बुक हमसे परचेस कर सकते हो जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, जो हम अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं उसी फॉर्मुलेशन को हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, आपको बुक के साथ हम लाइफ टाइम का सपोर्ट देते हैं, कभी भी कोई दिक्कत आए आप हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम लोग और लोगों की तरह कॉल या मैसेज बुक बेचने के बाद कॉल नहीं उठाते, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, मैं खुद प्रॉपर उठाता हूँ मोस्टली लोगों का कॉल। ठीक है, और ध्यान रखिएगा टाइमिंग जो है वो 10 से 5 बजे तक की ही रहेगी जिसमें आप कॉल या मैसेज हमें कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये था मेरा समझाने का तरीका। अब जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा वो लाऊंगा कल डिशवॉश की, डिशवॉश कंसंट्रेट कैसे बनेगा, ऐसे ही करके मैं आपको सारे कंसंट्रेट के बारे में बताऊंगा। अगर आपको कोई चीज नई जाननी होगी तो आप मुझे यूट्यूब का जो इनबॉक्स है इसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अगर हो सकेगा तो वो फॉर्मुलेशन मैं आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।